80,000 सैनिकों का रक्त हल्दी घाटी से लगा के यहाँ तक और यहाँ कटे हुए वो सैनिकों का ये रक्त भर गया था। तो दो घंटा बारिश हुई थी तो उस बारिश में ये लबालब तालाब पूरा भर गया। दोस्तों अभी हम रक्तलाई खमनौर में मौजूद हैं। रक्तलाई का नाम रक्तलाई इसलिए पड़ा है कि जब यहाँ पर युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को तो यहाँ पर अकस्मात बारिश हो गई थी और उस बारिश के चलते यहाँ पर जो लाशों के ढेर थे तो उनसे खून बहकर सब इस जगह इकट्ठा हो गया था तो यहाँ पर एक खून का तालाब बन गया था, इसलिए इसको रक्तलाई कहा जाता है। दोस्तों यह एक पूरा समतल एरिया है, यह चारों तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो 18 जून 1576 को जो गर्मी का दिन था वहाँ अकस्मात बारिश हुई और जब हल्दीघाटी के युद्ध में इतनी खतरनाक मारकाट मची थी तो उस बारिश के कारण सारा पानी बहकर इस समतल एरिया में आया था और उस पानी के साथ जो योद्धा थे और जो मुगल सैनिक थे उनका खून भी बहकर इस एरिया में इकट्ठा हो गया था। तत्पश्चात यहाँ पर एक विकराल पानी का कुंड बन गया था जिसका रंग लाल था और वो पूरा खून का एक तालाब था, इसी कारण से इसको रक्तलाई खमनौर कहा जाता है। आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी एरिया में यह फैला हुआ है और यहाँ पर आपको हकीम खास सूर साहब की मजार और बड़ी सादरी के राजा झाला मन्ना और ग्वालियर के तंवर शासकों की छतरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दोस्तों यह देखिए, यह है बड़ी सादरी के राजा झाला मन्ना जी की छतरी। बड़ी सादरी राजा झाला मन्ना महाराणा प्रताप के हमशक्ल थे और जब हल्दीघाटी के युद्ध में एक क्षण ऐसा आया था कि महाराणा प्रताप को युद्ध से निकल जाना उचित था, तब झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप को बताया कि आप युद्ध से निकल जाएं क्योंकि आपका रहना ज़रूरी है। तत्पश्चात झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप के कवच, महाराणा प्रताप की ध्वजा धारण की और महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि से निकल पड़े। उसके पश्चात झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप के कवच और ध्वजा धारण करके युद्ध जारी रखा और मुगलों को ऐसा लगा कि महाराणा प्रताप अभी भी युद्ध में है, वो महाराणा प्रताप अभी भी युद्ध कर रहे हैं। उसके पश्चात एक क्षण ऐसा आया कि एक मुगल सैनिक ने झाला मन्ना पर आक्रमण किया और वो यहीं पर शहीद हो गए थे। तत्पश्चात उनकी स्मृति में यहाँ पर एक छतरी बनाई गई है जो आज भी मौजूद है। बड़ी सादरी के राजा झाला मन्ना, उनके वंशज और उनके पूर्वज हमेशा से मेवाड़ के कर्तव्य रहे हैं और उनके कई पूर्वजों ने, कई वंशजों ने मेवाड़ के लिए अपने बलिदान दिए हैं। उन्हीं में से झाला मन्ना की छतरी आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं और अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं यह है हकीम खास सूर साहब की मजार। हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें हकीम खास सूर महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति थे तो उस युद्ध में उनका भी देहावसान हो गया था। तत्पश्चात उनकी मजार यहाँ पर बनाई गई है तो आप देख सकते हैं उनका स्मृति मात्र यहाँ बचा हुआ है। नमन है उन वीरों को जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया और आज हम यहाँ पर आकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को समझ पा रहे हैं, उस इतिहास को देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हकीम खास सूर साहब का पार्थिव शरीर दफनाया गया था। दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह श्रीमाली समाज की सती माता है। जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था तो हल्दीघाटी के युद्ध में श्रीमाली समाज के कुछ लोग यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तत्पश्चात उनकी विधवाओं ने यहाँ पर खुद को आग के हवाले कर दिया था। दोस्तों आज भी उनकी याद पर यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और आज भी श्रीमाली समाज के लोग यहाँ पर आकर माता की पूजा करते हैं। इसी के अंदर पूरा अपना सृष्टि का लेके आप ऊपर आ जाइए, दो मिनट मैं आपको पूरा बता देता हूँ जानकारी। ये है चित्तौड़ के कालिका महारानी जो कुल देवी महाराणा प्रताप के, और ये है सती माता जो सती हुए वो। ये है भैरूजी बावजी जो आप चेतक समाधि पर देख के आए होंगे, ये है ओरिजिनल भैरूजी बावजी। युद्ध आरंभ होता है सबसे पहले यहाँ से झाला मान सिंह जी से, उसके बाद में ये है विष्णु भगवान सया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी जल चढ़ा रहे हैं दोनों तरफ से। पास में वो चुनली है अभी, हाँ नहीं नहीं दिख रहा है। ये लक्ष्मी जी जल चढ़ा रहे हैं, इधर एकलिंग नाथ का मंदिर है, पार्वती जी जल चढ़ा रहे हैं और ये पीपल का पेड़ इस धरती पर नहीं है, ओनली चबूतरे के ऊपर ऊपर ही है, विष्णु भगवान और सती माता की दया से। दोस्तों अभी हम रक्तलाई खमनौर में मौजूद है, काफ़ी चौड़ा प्रांगण है और जैसा कि यहाँ पर हकीम खास सूर साहब की मजार बनी हुई है, इसके साथ ही यहाँ पर शिमाली समाज की सती माता विराजमान है और यहीं पर बड़ी सादी के राजा झाला मन्ना की स्मारक भी बनी हुई है। तो इस परिसर के एक दूसरे एंड में ग्वालियर के राजा रामचंद तंवर और उनके पुत्रों की छतरियाँ बनी हुई है तो हम आपको वो छतरियाँ दिखाते हैं और कुछ उनसे संबंधित जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों यह देखिए, ये ग्वालियर के शासक रामचंद तंवर और उनके पुत्रों की छतरियाँ हैं जिन्हें महाराणा कर्ण सिंह ने बनाया था। दोस्तों राजा राम शाह और उनके पुत्र महाराणा प्रताप के लिए युद्ध में यहीं पर शहीद हो गए थे।
उनके स्मारक में यहाँ पर छत्रियाँ बनाई गई हैं और इन छत्रियों का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था ताकि लोगों को स्मृति रहे कि यहाँ पर रामचा तंवर और उनके तीन पुत्र अपने महाराणा प्रताप के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर शिलालेख खुदा हुआ है जिस पर यही लिखा हुआ है कि इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था और रामचा उनके तीन पुत्रों के छत्रिया है, लेकिन कालांतर में ये मिट सा गया है, काफ़ी धुंधला दिख रहा है, इसी का सही वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यह था हल्दी घाटी का फुल टूर जिसमें हमने आपको पूरी जगह बताने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर इस वीडियो में हमसे कुछ त्रुटि रहती है तो हमको क्षमा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा जैसे कि आगे आने वाले वीडियो में हम वो त्रुटि पूरी कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।